कलायत में इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है। तीन राज परिवार बनाम एक आम आदमी, पूरे कलायत में चुनाव में इस वक्त ये चर्चा का विषय है कि तीन राज परिवार जिनके बीच में कलायत पिछले 30 साल से उलझा हुआ है, बार 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 घूम फिर के वही तीन परिवार सामने आते हैं और कलायत का कुछ भी भला नहीं कर पाए, कुछ भी काम नहीं कर पाए। तो आज लोग ये निर्णय लेने जा रहे हैं कलायत के अंदर कि राज परिवारों से बाहर निकलना पड़ेगा, आम आदमी को विधानसभा भेजना पड़ेगा, तभी कलायत के मूलभूत सुविधाओं को लेकर कुछ काम हो सकते हैं। इन राज परिवारों की सबसे बड़ी कमी क्या है? अहंकार। देखिए किस कदर अहंकार है इन लोगों में। सबसे पहले कमलेश जी से, जिनसे सारा कलायत नाराज था, जिनसे कलायत के लोग नाराज थे कि 5 साल तक इन्होंने किसी का सम्मान नहीं किया, किसी के काम नहीं कराए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जले पे नमक छिड़कते हुए उन्हीं को दोबारा टिकट दे दिया। ये अहंकार नहीं है तो क्या है कि जनता की नहीं सुनेंगे हम, जो हमारे मन में होगा वो करेंगे। दूसरे जयप्रकाश जी खुद सांसद हैं, कलायत के लिए टिकट दिलाने की बारी आई तो इतने कार्यकर्ता धक्के खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट दिलाने की बजाय घूम फिर के अपना बेटा ही याद आया। ये अहंकार नहीं है तो क्या है कि हमारे सिवा कोई नहीं हो सकता। और अहंकार की पराकाष्ठा ये है कि अगर हमारी किसी बहन ने शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे राजनीति करने के बारे में सोचा तो उसका कसूर क्या था? उसका कसूर तो सिर्फ इतना ही है ना कि वो एक आम परिवार से आती है, उसका कसूर तो सिर्फ यही है ना कि वो शिक्षा और रोजगार के बारे में बात करके राजनीति करना चाहती है। क्या उसने टिकट मांग ली एक पार्टी में, क्या ये उसका कसूर हो गया? ये तो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है सभी का कि वो चुनाव की तैयारी करें। लेकिन जिस तरह की भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, बहन बेटियों के लिए इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बात का रोष पूरे कलायत में 36 बिरादरी में कि आज किसी की बहन बेटी के बारे में बोला है, कल को हमारी बहन बेटी के बारे में बोलेंगे, परसों किसी और की बहन बेटी के बारे में बोलेंगे, और कोई अफसोस नहीं उनको इस बात का। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? एक बार माफी तक नहीं मांगी गई, अहंकार की पराकाष्ठा है। और कल तो इस अहंकार की इंतहा हो गई। बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हमारे लिए पूजनीय है। कल एक व्यापारी, एक बुजुर्ग मंच पर मौजूद थे, उनको जयप्रकाश जी ने लात मार दी, कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए या उनको लात मारनी चाहिए? मुझे लगता है कि इस अहंकार को तोड़ने का समय आ गया। मैं कलायत के लोगों से ये अपील करता हूं कि इस अहंकार को इस बार नेस्तो नाबूद कर दीजिए। इनको ये समझाइए कि अगर हमारी बहन बेटियों, अगर हमारे बुजुर्गों का सम्मान कोई नहीं करेगा, अगर कोई उनका अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, तो उसकी ऐसी हालत चुनाव के अंदर करेंगे कि दोबारा कभी राजनीति में इस तरीके की गलती करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कलायत के लोगों के हाथ में बहुत बड़ा निर्णय, कलायत के लोग इस बार हरियाणा की राजनीति का भविष्य तय कर सकते हैं। हम लोगों का एक प्रयास है कि ये जो इलाका पूरा सबसे पिछड़ा रह गया, इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कलायत में कभी कोई अस्पताल नहीं बना, कभी कोई अच्छे स्कूल नहीं बने, कभी कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं आई जहां हमारे बच्चे रोजगार कर सके। हर गांव की हालत, गंदा पानी गलियों में बहता रहता है, पीने का पानी पहुंचता नहीं है कहीं तक भी। ये सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वो चीजें हैं। इनके ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया, अपने अहंकार में अपने पैसे के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज पूरे कलायत में ये चर्चा है, कोई लोकल आदमी नहीं जुड़ना चाहता अब इनके साथ, क्योंकि बहुत सारे वर्कर, तो बुजुर्ग वर्कर, मेरे से ही बात हुई, उन्होंने कहा जी 20-30 साल तो हो गए इनको सलाम ठोकते, अब इनके बच्चों को सलाम ठोकेंगे क्या? ये भावना पूरे कलायत के वर्कर्स के अंदर में है और कोई इनसे स्थानीय वर्कर नहीं जुड़ना चाहता। जिस सभा में जाते हैं, जहां गाड़ियां लेके जाते हैं, गाड़ियां लेके उसमें बाहर के लोगों को भर के काफिले निकाल के, इससे कलायत का क्या भला होने वाला है? इससे कलायत में क्या बदलाव आने वाला है? अगर आपकी भावनाओं के साथ कलायत का वर्कर नहीं जुड़ा, कलायत के गांव का व्यक्ति नहीं जुड़ा, तो फिर ऐसे
चुनाव में अगर आपको लगता है कि आप कहीं से भी कोई हिस्सेदारी कर सकते हैं, कोई मुकाबला कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये कलायत के स्वाभिमान को ललकारने जैसा है। कलायत के लोगों ने तय किया है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। इस बार इस अहंकारी व्यक्ति को जवाब देंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को जवाब देंगे और कलायत में एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। एक बुलंद आवाज को हरियाणा की विधानसभा में भेजेंगे, ऐसा मैसेज कलायत के हर गांव हर गली से सुनने को मिल रहा है। आप पहले भी नाम से देखिए तीन रात कराने यहाँ अनुराग गांधा जी को क्या से टकराने की बताई है कि वो नहीं, क्यों नहीं टकराएंगे, क्यों नहीं टकराएंगे? ये पूरा इलाका हमारा है, ये कलायत हमारा है, या हमारे लोग रहते हैं, इनको बर्बाद होने दें। 30 साल हो गए इनको मौका देते देते, कितने मौके और चाहिए? अगर ये विधायक बनके कलायत का कुछ भला कर सकते तो तीनों को तो एक एक बार मौका मिला ही हुआ है, कर देते जो भला करना था, और जो एक बार में नहीं कर पाया वो आगे भी कर देगा, इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए लोगों के बीच में इस बार चर्चा का विषय ये है कि बाकी सबको तो मौका देके देख लिया, कुछ भी नहीं बदला कलायत में, तो इस बार नए व्यक्ति को मौका दे करके देखते हैं, इस बार उस विचारधारा को मौका देके देखते हैं जिसने दिल्ली और पंजाब में शक्लो सूरत बदल दी, मूलभूत सुविधाओं का पैरामीटर्स बदल दिए, पैमाने बदल दिए। लोगों के बीच में चर्चा यह है कि राज परिवारों से कलायत नहीं बनने वाला है, आम घरों के लोगों को जोड़ के कलायत बनता है, उनकी मुसीबतों उनकी मुश्किलों पे काम करने से कलायत का उद्धार होगा। ये अब लोगों के बीच में चर्चा है और मैं भी उनके बीच में वादा करके आता हूं हर जगह पे कि 24 घंटे 5 साल आपके बीच में उपलब्ध रहूंगा, तभी काम हो पाएंगे कलायत के लोगों के। ऐसे काम नहीं हो पाएंगे कि यहां से वोट लिया सीधे दिल्ली, यहां से वोट लिया सीधे चंडीगढ़, यहां से वोट लिया सीधे हिसार, ऐसे काम नहीं हो पाएंगे। कलायत में डट के यहां लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ के काम करना पड़ेगा, तब जाके यहां काम होगा। मैं तो कह ही रहा हूं तीनों राज परिवार के सपने में आजकल आम आदमी घूम रहा है, तीनों राज परिवारों के सपने में आजकल हम ही घूम रहे हैं, और इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमने मुद्दों पर बात कर दी। आप नेताजी के बेटे से कहीं ये पूछो कि कलायत के मुद्दे क्या हैं, कितने लोगों से मिले हैं, कितने लोगों को झुक के प्रणाम किया है, कितने लोगों के बातें सुन के उनको स्वीकार किया है, जिसको मुद्दों की समझ नहीं है। मैंने कई बार कहता हूं कि वो राजनीति मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि राजनीति के अलावा कुछ और नहीं आता। किसी स्कूल में पढ़ा सकते हो, किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हो, कहीं कोई काम धंधा कर सकते हो, कुछ नहीं आता राजनीति के अलावा। बाप दादा से यही सीखी है, वही कर रहे हैं। हम मजबूरी में राजनीति नहीं कर रहे, हम मर्जी से राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं। आम आदमी पार्टी में ज्यादातर लोग अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं और हम मर्जी से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मर्जी से जब काम करते हो तो खुशी खुशी करते हो, 24 घंटे करते हो, वो फलता भी है। इसलिए ये मर्जी और मजबूरी की राजनीति के बीच का अंतर है। ये नेताजी के सुपुत्र जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। आपके पास तीसरा विकल्प पहली बार मौजूद है, 90 की 90 सीटों पर ईमानदार और अच्छे लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। आप आम आदमी पार्टी की हरियाणा में पूरे बहुमत की सरकार इसी झटके में इसी बार में बनवाइए, लेकिन इस बारे में तो हम पूरी तरह से आश्वस्त और हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं कि हरियाणा में 2024 में, ये तो आज के दिन भी तय, अभी 10-15 दिन का चुनाव बचा है, लेकिन ये आज के दिन भी तय है कि हरियाणा में कोई भी सरकार इस बार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनने जा रही है, किसी सूरत में नहीं। केजरीवाल जी मोस्ट लाइकली 28 तारीख को कलायत में आ रहे हैं, 28 तारीख को यहां पर लोगों से अपील करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल जी पहुंचेंगे। इसके अलावा संजय सिंह जी के, मनीष सिसोदिया जी के, भगवंत मान जी के भी अभी कार्यक्रम बाकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग पूरी ताकत के साथ पूरा आशीर्वाद देके इस बार कलायत में हमें समर्थन देंगे। हम इस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं कि तीन राज परिवार 50% में और एक आम आदमी 50% में नजर आए।